आज हम ये जेके सुपर का कंक्रीट स्पेशल सीमेंट काम में ले रहे हैं, और कंक्रीट स्पेशल सीमेंट एक पीपीसी कैटेगरी का सीमेंट है, और ये पेपर बैग पैकेजिंग के साथ में आता है, तो इसके अंदर पानी का अंदर घुसने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज एक और छत भराई के ऊपर आए हुए हम। यहाँ हमने जेके सुपर कॉन्क्रीट स्पेशल सीमेंट काम में लिया हुआ है, और पीछे इसकी जो माल की भराई हो रखी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसकी सीमेंट की क्वालिटी कैसी आ रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसका मिक्सिंग जो हो रही है वो भी आपको नीचे थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे हमने जो मुंगिया मसाला पूरा कंक्रीट का मिक्सर बनाया था वो यहाँ पे वाइब्रेटर के साथ काम में लिया जा रहा है, और इसके अंदर जेके सुपर का कंक्रीट स्पेशल सीमेंट हमने काम में लिया है, और इसकी अभी प्राइसिंग जो है आज हमें 400 रुपये के आसपास पड़ी है। और इसके अंदर हमने जो रेशियो काम में लिया है वो 1-2-3 का रेशियो है, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट का, 2 पार्ट बजरी का, और 3 पार्ट इसके अंदर मुंगिया का है आता है उसका। तो इस तरह से इसका भी छत के रेशियो के अंदर काम में लिया हुआ है, और सरिया हमने यहाँ जो पूरा काम में लिया है ये पूरा टाटा का सरिया है, और इसके अंदर एक सेंटर में स्लैब है, यहाँ पे वॉल एक आएगी ऊपर की तरफ में, वहाँ पे कॉर्नर पे बीम है, और ये इतना हिस्सा जो है ये पूरा एक्स्ट्रा बना हुआ है, जो घर की एंट्री वहाँ से है। वहाँ पे 2 कॉलम है, 2 कॉलम से आगे पूरी एक छत है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूम आ रहा है, प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से सीढ़ी नीचे उतर रही है। सीढ़ी थोड़ी टिपिकल है क्योंकि ये 3 फीट के अंदर छोटे एरिया में बनी हुई है, यहाँ से सीढ़ी नीचे उतरेगी, गोल घूम के नीचे जाएगी और वापस नीचे जा रही है। ये पूरी राउंड शेप के अंदर सीढ़ी बनी हुई है यहाँ पे, और सेंटर के अंदर हमने टाटा के सरिये से स्लैब पूरा बांधा हुआ है, और कॉलम के अंदर भी टाटा का सरिया काम में लिया है। स्लैब के अंदर हमने 16x4 सरिये लिए हैं 7 इंच के गैप से, कॉलम के अंदर भी हमने टाटा का सरिया काम में लिया है, 16 और 12 का मिक्स में सरिया काम में लिया है, और यहाँ जेके कंक्रीट स्पेशल सीमेंट से हमने पूरी इसकी छत की सीमेंट के अंदर मिक्सिंग करी है। ये आज यहाँ पे छत की भराई के लिए मुंगिया बजरी और सीमेंट आया हुआ है, तो सीमेंट जेके सुपर स्ट्रॉन्ग हमने काम में लिया है, और ये मिक्सिंग चल रही है। और साथ में एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, हमने यहाँ पे पानी के अंदर डॉक्टर फिक्सिट का 301 LW+ केमिकल मिलाया है, और इसकी यहाँ ज़रूरत तो नहीं रहती है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो मिलवा सकते हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए ये चीज़ मिलाई जाती है, और यहाँ पे 1-2-3 का रेशियो से काम चल रहा है। बजरी, मुंगिया और सीमेंट, सीमेंट 1 पार्ट, 2 पार्ट में बजरी, और 3 पार्ट के अंदर मुंगिया काम में लिया जा रहा है। इस हिसाब से यहाँ मिक्सिंग हो रही है, और ये सीमेंट ये रहा और मुंगिया यहाँ आ रहा है, और ये RCC मिक्सर के अंदर मिक्सिंग आपको प्रॉपर करनी चाहिए हमेशा। इस चीज़ के लिए भले आप इसके ऊपर आदमी एक बिठा के रख सकते हैं ताकि सीमेंट की मिक्सिंग प्रॉपर हो, ताकि आपको बाद में लंबे टाइम बाद दिक्कत ना आए, और वाइब्रेटर चलाने के बाद छत की जो है फिनिशिंग प्रॉपर हो उसके लिए एक ऊपर एक आदमी और होना चाहिए, यानी कि 2 आदमी आपको प्रॉपर ध्यान रखने के लिए हमेशा रखने ही पड़ेंगे, ताकि आपकी छत की जो भराई है वो स्मूथ हो और ढंग से हो जाए। जैसे यहाँ देख रहे हैं ये छत की भराई वाइब्रेट चलाने के बाद इसको स्मूथ सरफेस को दे रहा है, तो स्मूथ फिनिशिंग देनी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि दिखने में छत ज़्यादा अच्छी दिखे। अगर आप छत की भराई करवाते हो तो शटरिंग का जो लेवल है वो भी रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहा करें, ताकि अगर ऊपर आप माल भरो तो नीचे शटरिंग नीचे ना गिरे। जो बल्लियाँ लगी होती है ये बल्लियों के खिसकने के चांसेस रहते हैं, तो कोशिश ये करें कि बल्लियों का जो लेवल है वो प्रॉपर आप पहले चेक करवा लें, ताकि जब आपकी छत की भराई हो रही हो तो ऊपर माल आने की वजह से बल्लियाँ नीचे ना खिसके और छत टपके नहीं। छत नहीं टपकेगी तो लंबे टाइम तक आपकी छत मजबूत रहेगी, इस हिसाब से इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे छत की भराई हो रखी है तो यहाँ पे कहीं पे भी लीकेज के चांसेस कम है, और ये जो बल्ली लगी हुई है प्रॉपर वे में लगी हुई है तो नीचे खिसकेगी नहीं, तो नीचे खिसकेगी नहीं तो छत के नीचे गिरने के चांसेस कम है। तो हर जगह आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ बीम बॉटम है या बल्ली लगी हुई है या छत के लिए प्लेट लगी हुई है वो प्लेट नीचे ना आए, उस हिसाब से इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, तो आपको कभी छत भराई के टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी। और कोशिश करें कि सीढ़ी जो है सीढ़ी की कैलकुलेशन पहले प्रॉपर वे में कर लें, ताकि ऊपर जब सीढ़ी चढ़े तब आपको दिक्कत ना आए और सीढ़ी एकदम प्रॉपर एक साइज़ की चढ़े। तो आज हम ये जेके सुपर का कॉन्क्रीट स्पेशल सीमेंट काम में ले रहे हैं, और कॉन्क्रीट स्पेशल सीमेंट एक PPC कैटेगरी का सीमेंट है, और ये पेपर बैग पैकेजिंग के साथ में आता है, तो इसके अंदर पानी का अंदर घुसने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और 50 किलो की बैग पैकेजिंग में आता है। और इसका क्लियर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि ये जेके सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट है और जेके सीमेंट की तरफ से ही आता है, तो जेके सुपर स्ट्रॉन्ग कंक्रीट स्पेशल सीमेंट एक PPC कैटेगरी का सीमेंट है, और ये राजस्थान के अंदर बनता है। इसके ऊपर आपको क्लियरली लिखा होगा ISI का मार्क, और ऊपर लिखा होगा PPC पोर्टलैंड पोजोलाना बेस्ड सीमेंट, फ्लाई एस बेस्ड सीमेंट है, जो 50 किलो के बैग पैकेजिंग में आता है। जेके सुपर ऊपर लिखा रहेगा और कंक्रीट स्पेशल सीमेंट है, ये एक स्पेशल कैटेगरी में सीमेंट है, और बैग जो आता है वो पेपर बैग पैकेजिंग है, इसके अंदर मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है, तो मॉइस्चर इसके अंदर नहीं जाती, पानी गीला नहीं होता इसके अंदर, ये लंबे टाइम तक पेपर बैग पैकेजिंग खराब नहीं होती, इसकी वजह से इसके काफ़ी फायदे हैं। तो ये सीमेंट
को दिखाते हैं। और ये सीमेंट के बैग की प्राइसिंग 4 रुपये, और इसी सीमेंट से हम आज यहाँ ये छत की भराई ऊपर चल रही है। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे इस तरह से छत की भराई चल रही है, और इसके अंदर मूंगिया बजरी और सीमेंट का जो रेशियो मिक्सिंग रेशियो वो 1:2:3 के हिसाब से है। आप भी अपने घर में कराएं तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप कर सकते हैं, तो ताकि आपको कारीगर आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लेवल गिट्टी होनी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है कि लेवल गिट्टी है, लाइट के पॉइंट है वो पहले से निकले हुए होने चाहिए, और जो रिंग है रिंग का गैप प्रॉपर होना चाहिए, और सीढ़ी के अंदर मिक्सिंग हो जाए तो वाइब्रेटर चलाना प्रॉपर टाइम पर ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी छत भराई के टाइम पर। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और सरिया और मुंगिया कंक्रीट और ये सब लगने के बाद जब छत की पूरी भराई हो जाएगी तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊंगा। साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन अंदर दी हुई, तो वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अपने क्वेश्चन नीचे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं।